दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर जनपद के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के फोर लेन स्थित करोखनपुर के राम जानकी तिराहे पर है। आपको बता दें कि यहां से कुछ ही दूरी पर 5,44,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले रोडवेज बस स्टेशन पर हम चल रहे हैं और आज आपको दिखाएंगे कि बदलापुर रोडवेज स्टेशन कब चालू होगा। बदलापुर रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि बदलापुर में लोगों की लंबे समय से चल रही मांग पर क्षेत्रीय विधायक के प्रयास से एक रोडवेज बस स्टेशन निर्माण के लिए शासन द्वारा स्वीकृति मिली और उस रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कार्य भी वर्ष 2020 में ही शुरू हो गया, जिसका उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ से ऑनलाइन शिलान्यास किया गया और क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद मिश्रा द्वारा उक्त स्थल पर भूमि पूजन किया गया। आपको यह भी बता दें कि इस रोडवेज बस स्टेशन को चालू हो जाने से यहां पर जैसे ठेला, खुमचा, चाय नाश्ता की दुकान, ऑटो रिक्शा सहित आदि हजारों लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह वही रोडवेज बस स्टेशन है जो बदलापुर वासियों की काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी। अब उसी रोडवेज बस स्टेशन का लंबे समय से निर्माण कार्य भी चल रहा है। अब देखना यह है कि इस रोडवेज बस स्टेशन पर बसों का संचालन कब होगा और मायूस हजारों बेरोजगार को रोजगार कब मिलेगी। फिलहाल क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद मिश्रा की माने तो इसी नवंबर माह में होने वाले बदलापुर महोत्सव में ही इसका उद्घाटन होगा और रोडवेज बसों का संचालन भी शुरू किया जाएगा। आप सभी को यह भी बता दें कि जौनपुर जनपद का दूसरे स्थान पर यह बदलापुर का बस इस बस स्टेशन चालू हो जाने से बदलापुर विधानसभा सहित आदि लोगों को रोजगार के द्वार खुल जाएंगे। आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस रोडवेज बस स्टेशन पर यात्रियों के लिए क्या कुछ सुविधाएं बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह दिखा दें कि रोडवेज बस परिसर में जल निकासी के लिए बनाए गए नालियों को और कैमरामैन से अभी कहेंगे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पेयजल के लिए हैंडपंप भी लगवाई गई है। और यात्रियों के लिए यहाँ पर पेयजल की टोटी भी लगवाई गई है, ये देखिए। और कुछ ही दूर पर यहाँ पर यात्रियों के लिए टॉयलेट भी बनवाया गया है। और ऑफिशियल ये देखिए कक्ष भी बनवाए गए हैं, यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी बैठेंगे और इसका निर्माण कार्य भी अभी प्रगति पर है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह की आगे की जानकारी आपको बताएंगे।